जैसा मैंने आपको बताया था कि हम वन लेक्चर वन सूट आपको मैं कराने वाला हूं, उसी चेन में आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला बोलो आपसे मेरे को यूनिट, जो फिजिक्स का टॉपिक है लाइट। आपसे मेरे को जो लेवल वन और लेवल टू दोनों में है, एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट टॉपिक करा दूंगा। एक से दो क्वेश्चन इसके आने के चांस है। आपसे प्रकाश लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ एक ही लेक्चर में कंप्लीट। तो सबसे पहले जो लाइट टॉपिक है हमारे, उसमें सिलेबस में क्या कंटेन है वो पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस के अंदर पहला जो कंटेन है इसका, वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है गोलीय दर्पण, ठीक है बोलो आपसे मैं कहूँ स्पेरिकल मिरर। तीसरा है प्रकाश बोलो का, मैंने कहा अपवर्तन, क्या है बोलो प्रकाश का अपवर्तन। इसी तरह से फोर्थ है गोलीय आपसे मैं कहूँ लेंस, ठीक है। इसी तरह से है आपका मानव नेत्र बोलो ह्यूमन आई, और नेत्र दोष, ठीक है नेत्र दोष यानी आई डिफेक्ट, क्लियर। तो ये जो टॉपिक है आपसे मैं कहूँ रिट मेंस के अंदर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर दो क्वेश्चन आपके आने के चांस है। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से, क्लियर, क्योंकि आई डिफेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन सिक्स के सिक्स पॉइंट अभी क्लियर कर दूंगा, एक एक आप सब कंटेंट को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना, क्लियर। पहला है हमारा बोलो मैंने कहा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन आपसे मैं कहूँ ऑफ लाइट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब भी कोई परावर्तक पृष्ठ होती है बोलो आपसे मैं कहूँ, उस पर कोई प्रकाश किरण बोलो आपसे मैं कहूँ आती है और अभिलंब के दूसरी ओर जाती है। तो आती है उसको क्या बोलते हैं, मैंने कहा आपतित किरण, बोलो क्या बोलते हैं आपतित किरण। जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ओके। और ये क्या होता है अभिलंब, ये क्या होता है अभिलंब यानी नॉर्मल। तो मेरे कहने का मतलब, और ये क्या है बोलो परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिव सरफेस, बात समझ में आए। तो इस फिनोमिना को परावर्तन कहते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा परावर्तन बोलो के नियम। तो बचपन से छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, दो नियम होते हैं, एक होता है आपसे मैं कह रहा हूँ, एक नियम होता है बोलो आपतित किरण, आपतित किरण मैंने कहा बोलो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है परावर्तित किरण, ठीक है। और अभिलंब आपसे मैं कहूँ अभिलंब, ठीक है अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, यानी इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टिव रेज और नॉर्मल एक ही प्लेन में होने चाहिए। और नंबर टू है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, क्लियर। जैसे मैंने इतना पढ़ाया तो आपसे मैं करूँ ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर वन आपसे मैं करूँ आपको कहा जाता है कि एक आपसे मैं करूँ आपको आपतन कोण का मान आपको दे दिया 30 डिग्री, तो आपसे मैं करूँ तो परावर्तित आपसे मैं कहूँ किरण, ठीक है का बोलो परावर्तक आपसे मैं कहूँ परावर्तक पृष्ठ से कोण अगर आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन के अंदर। आपको एक सपोजेट आपसे मैं कहूँ पहला ऑप्शन 30 दे दिया, दूसरा 45 दे दिया, तीसरा 60 दे दिया, फोर्थ 90 दे दिया। तो मेरे कहने मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि आई बराबर क्या होता आर, तो इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। लेकिन आपको एंगल ये नहीं पूछ करके ये पूछा है, तो आपसे मेरे को ये पूछा है
क्योंकि परावर्तित किरण का परावर्तक प्रश्न से कोण पूछा है, इसका मतलब हुआ आपका आंसर क्या होगा 60, बिकॉज ये टोटल क्या होता है 90। तो I इज इक्वल टू आर तो हमने यूज किया है, लेकिन आपसे मैं करूं R क्या आया 30, तो थीटा क्या होगा बोलो 90 माइनस 30, यानी क्या होगा 60। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरी वेराइटी आपको कभी कभी ये दे देते हैं कि ये परावर्तक प्रश्न है, आपसे मैं करूं ये अभिलंब है और आपको कहा जाए कि बोलो आप जो आपतित किरण है वो अभिलंब पर ही आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है, क्लियर। तो आपको बोलते हैं कि बोलो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ऑप्शन में देते हैं 0, एक देते हैं अनंत, एक देता है 90, एक देते हैं आपसे मैं कहूँ 30। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपसे मैं कह रहा हूँ अगर ये बोलो आपसे मैं कहूँ ऐसे आपतित होगा तो ऐसे जाएगा, और जब आपको पता है कि आपतन कोण जो होता है बोलो आई वो क्या होगा 0, क्योंकि आपसे मैं कह रहा हूँ जब परावर्तित किरण जो है आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वही आपतन कोण होता है, जब आपसे मैं करूँ किरण यहाँ पर थी तो आई था और यहाँ पर अगर आपतित होगी तो बोलो 0 होगा, तो आपतन कोण 0 होगा, तो परावर्तन के नियम से इसको भी 0 होना ही पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा बोलो 0, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब एक तो ये है, और एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है, क्या आता है कि आपसे मैं कह रहा हूँ ये आपको दिया जाता है कि बोलो एक प्रकाश किरण है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो थीटा कोण पर आपतित होती है, क्लियर, ओके। अब आपको कहा जाए यदि यदि आपसे मैं कहूँ परावर्तक प्रश्न को थीटा कोण आपसे मैं कहूँ घुमा दिया जाए, ठीक है, यदि परावर्तक प्रश्न को क्या कर दिया जाए थीटा कोण घुमा दिया जाए तथा आपसे मैं कहूँ परावर्तन कोण का मान होगा, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ऑप्शन आता है बोलो थीटा, बोलो 2 थीटा, आपसे मैं कहूँ 2 थीटा, एक आता है 0 और एक आता है मैं आपसे कहूँ θ/2, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे मैं कह रहा हूँ रेट में पूछा गया है, बोलो आर्ट रेट में पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन को समझना, आपको बोला कि आपसे मैं करूँ ये पहले क्या था आपका बोलो परावर्तक प्रश्न थी, और ये आपसे मैं करूँ बोलो आपकी किरण आपतित हो रही थी और ये अभिलंब था, क्लियर। अब अपन इसको ये थीटा था, अब अगर हम इसको थीटा कोण घुमा दें, चलो थीटा कोण घुमा दिया, मेरी बात को समझना, और आपतित किरण को वही रखा, तो मुझे एक बात बताओ अभिलंब हमेशा कहाँ बनता है, जो आपके परावर्तक प्रश्न होती है उसके अभिलंब बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये जब थी तो ये बन रहा था, जब ये आपकी परावर्तक प्रश्न हो जाएगी तो अभिलंब तो आपसे मैं कहूँ परपेंडिकुलर ही बनता है, अगर अभिलंब वहाँ पर बनेगा और ये वाली जो आपतित हो रही है उसको वहीं पर आपतित करेंगे तो हमेशा आपतन कोण तो क्या होता है अभिलंब से होता है, तो पहले ये थीटा था तो ये भी थीटा था, तो इसका मतलब इस बार आपतन कोण कितना हो गया 2 थीटा, और चूंकि आई अगर 2 थीटा हो गया तो R को तो 2 थीटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका रूल है बोलो I बराबर R, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 थीटा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको कभी आपने कहीं क्वेश्चन देखा और रट नहीं लेना है कि थीटा आएगा तो 2 थीटा कर देना, आपके पास लॉजिक होना चाहिए कैसा क्यों होगा। मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं और तीनों क्वेश्चन किस में बेस्ड है, आपतन कोण बोलो आपसे मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी पे बेस्ड है, क्लियर। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। फिर मैंने कहा कि हम जानते हैं कि परावर्तन घटना का अध्ययन जिस प्रकाश या उपकरण की सहायता से करते हैं उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो दर्पण की बात करें, तो मैंने कहा दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, तो जिसकी एक प्रश्न पे क्या कर रखी हो पॉलिश और दूसरी प्रश्न किसका काम करे परावर्तक प्रश्न का काम करे, क्लियर। तो मैंने कहा दर्पण के प्रकार की बात करें तो एक होता है
समतल दर्पण, ठीक है। एक क्या होता है समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है बोलो गोलीय दर्पण, ठीक है। मैंने कहा एक होता है सिंपल मिरर, आपसे मैं कहूँ सिंपल मिरर, और एक होता है बोलो मैंने क्या कहा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक होता है प्लेन समतल मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक क्या होता है बोलो अवतल दर्पण, ठीक है। और इस बार आपके मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन गोलीय दर्पण के ही आने का है, बोलो बात समझ। लेकिन हमें दोनों पढ़ना है। अब ये दर्पण आपको अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा कुछ याद करना न पड़े उसके लिए पहले आपको कुछ स्पेशल नोट पता होने चाहिए। स्पेशल नोट क्या पता होना चाहिए, जैसे नंबर वन मैंने कहा दर्पण सूत्र क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला 1/F = 2, मैंने कहा 1/F = 1/V + 1/U होता है। आपसे मैं कहूँ यहाँ पर ये क्या होता है बोलो दर्पण से मैंने कहा बोलो बिंब की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, बोलो आपसे मैं करूँ मैंने कहा दर्पण से बिंब की दूरी। V क्या होता है बोलो मैंने कहा दर्पण से प्रतिबिंब, आपसे मैं कह रहा हूँ की दूरी। मैंने कहा F क्या होता है तो दर्पण की बोलो फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, क्लियर। क्या होती है बोलो दर्पण की फोकस दूरी, ये आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए। हमेशा U हो V हो आपसे मैं को किसके साथ लिखना है बोलो चिन्ह के साथ लिखना है, बात समझ में आए बोलो। ओके, मैंने कहा नंबर टू दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए, मैंने कहा आवर्धन का सूत्र, ठीक है। आवर्धन का सूत्र फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, तो M = क्या होता है -V/U, ये दो फॉर्मूले याद है। दर्पण का हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा नंबर थ्री आपको आवर्धन बोलो आपसे मैं को पढ़ना आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आपको क्या पता होना चाहिए, रीडिंग ऑफ मैंने कहा मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो पढ़ना आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है या तो आवर्धन नेगेटिव होगा या आवर्धन पॉजिटिव होगा, क्लियर। या आवर्धन आपसे मैं कह रहा हूँ एक से ज़्यादा होगा या एक के बराबर होगा या एक से कम होगा, मतलब टोटल पांच पॉसिबिलिटी है। तो इन पांचों को अगर पढ़ना आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आवर्धन से हम क्या निकालते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति का पता लगाते हैं, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी आपका आवर्धन नेगेटिव होगा इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई बोलो वास्तविक, आपसे मैं करूं एंड उल्टा होगा, क्लियर। जब भी पॉजिटिव होगा इसका मतलब आभासी एंड क्या होगा बोलो सीधा होगा। जब भी आपसे मैं को एम एक से ज़्यादा है इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा बोलो बिंब से बड़ा होगा, क्लियर। और मैंने कहा बिंब से क्या होगा बोलो बड़ा। और जब भी मैंने कहा एम एक के बराबर होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा बोलो बिंब के बराबर होगा। और जब भी मैंने कहा एक से कम होगा तो बिंब से क्या होगा बोलो छोटा, क्लियर। बोलो क्या होगा छोटा, क्या बोलो मैंने कहा प्रतिबिंब, क्लियर। बात समझ में आए बोलो। तो आपको इस तरह से रीड करना आना चाहिए, मतलब कभी भी किसी भी प्रकाशीय उपकरण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो आप रट नहीं सकते हो, उसके लिए आपको आवर्धन को रीड करना आना चाहिए। यहाँ पर कभी भी मैथ नहीं लगानी है बोलो, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल दिया एम बराबर -1.5, तो आपसे मैं कहूँ प्रतिबिंब बोलो प्रतिबिंब की मैंने कहा प्रकृति प्रकृति होगी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको माइनस का मतलब अलग निकालना है और परिमाण का मतलब अलग निकालना है। माइनस का मतलब तो क्या हो जाएगा वास्तविक एंड उल्टा, ये तो आपने माइनस का मतलब निकाल दिया। 1.5 एक से बड़ा है तो क्या करोगे बोलो बिंब से, बोलो बीम से बड़ा। इस तरह से आपको रीड करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। स्पेशल नोट नंबर फोर्थ करें तो आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है डबल होती है। आपसे मैं कह रहा हूँ आर क्या है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, क्लियर। और एफ क्या है बोलो फोकस दूरी, हमेशा फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है डबल होती है। इसी तरह से मैंने कहा फिफ्थ पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो वक्रता
त्रिज्या जो होती है वो आपसे मैं कहूँ वन अपॉन क्या होती है, वक्रता होती है। क्लियर? तो आपको इस तरह से इतना बेसिक पॉइंट आपको पता होगा तो आपको एक एक दर्पण अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने कहा पहला अपन पढ़ते हैं अब समतल दर्पण। क्या पढ़ते हैं बोलो? समतल दर्पण। क्लियर? तो मैंने कहा समतल दर्पण का मतलब क्या हुआ बोलो? सिंपल, मैंने कहा प्लेन मिरर। क्या मतलब है बोलो? प्लेन मिरर। क्लियर? इसके लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, मैंने कहा इसमें बोलो वक्रता, बोलो वक्रता यानी कर्वेचर, बोलो कर्वेचर आपसे मैं करूँ जीरो यानी शून्य आपसे मैं को होती है। क्लियर? अगर मैंने पहला पॉइंट बोला वक्रता शून्य होती है तो जरा वक्रता त्रिज्या बताना। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो आर बराबर तो अनंत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बोलो वक्रता त्रिज्या आपसे मैं करूँ इज इक्वल टू वन अपॉन वक्रता है। तो जब वक्रता अगर आपकी जीरो होगी तो वक्रता त्रिज्या को तो अनंत होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी हमने निकाल लिया। फिर अपन बात करें फोकस दूरी की, वो भी अनंत होगी। तो आपसे मैं कहूं क्यों? क्योंकि हमें पता है r बराबर क्या होता है 2f, तो f बराबर क्या होता है r by 2। तो जब आपका r ही अनंत है तो आपसे मैं को f को तो अनंत होने से कोई रोक ही नहीं सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, एक जीरो तो हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा नंबर फोर्थ यानी जो समतल दर्पण के फैक्ट्स हैं उनको मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। मैंने कहा समतल दर्पण जो होता है आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण पर जितनी आपसे मैं कहूँ दूरी, ठीक है, पर ऑब्जेक्ट आपसे मैं कहूँ को रखा जाता है, उतनी ही आपसे मैं कहूँ उतनी ही दूरी पर मैंने कहा इमेज बनती है। क्लियर? तो एक दिमाग में आता है कि बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी डिस्टेंस पर इधर इमेज बनेगी। तो ऐसा क्यों, कम या ज़्यादा क्यों नहीं, अगेन प्रूव करते हैं। बोलो, मैंने कहा आपको, मैंने क्या बताया, वन अपॉन एफ इजिकल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। अभी मैंने बोला समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। यहाँ पर अनंत रखेंगे, यहाँ पर बोलो ऐसा करेंगे तो एक में अनंत का भाग देंगे तो जीरो आएगा, वन अपॉन वी बोलो आपसे प्लस वन अपॉन यू, इसको इधर लाऊंगा तो मैंने कहा आपको बोलो ये हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा तो वी और आपसे मैं करूँ यू परिमाण में क्या होंगे, समान, और दिशा में क्या होंगे, विपरीत। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट क्या कहता है कि बोलो आपसे समतल दर्पण पर जितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। क्लियर? आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। और ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रकाश की दिशा में जो भी दूरियां नापते हैं सारी दूरियां हमेशा कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव बिंदु से। प्रकाश की विपरीत दिशा में नापेंगे तो नेगेटिव और प्रकाश की दिशा में नापेंगे तो पॉजिटिव। क्लियर? ये चिन्ह नियम होता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद नंबर फाइव, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण बोलो से हमेशा आपसे मैं कहूँ वास्तविक, हमेशा मैंने कहा आभासी बोलो सीधा तथा आपसे मैं कहूँ तथा बिंब के बराबर, बिंब के बोलो मैंने कहा बराबर प्रतिबिंब, आपसे मैं कहूँ प्रतिबिंब बोलो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, मतलब हमेशा क्या बनता है बोलो आपसे समतल दर्पण के बरसी आभासी सीधा और बिंब के बराबर। दिमाग में आता है ऐसा क्यों, चलो प्रूव करके देखते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति किससे पता चलती है, आवर्धन से। आवर्धन का सूत्र क्या है, ये है। क्लियर? अभी हमने देखा कि यू आपसे मैं को नेगेटिव और वी क्या होता है, पॉजिटिव, और दोनों जो है परिमाण में क्या है बोलो एक दूसरे के बराबर। तो जब अब मैं यहाँ रखूँगा तो मैंने कहा यहाँ पर इसको ये रखूँ और यहाँ पर इसको ये रखूँ। क्लियर? तो मुझे बताओ माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। परिमाण में बराबर आए तो क्या आएगा, वन। और जरा रीड करके बताना प्लस वन का मतलब क्या होता है बोलो। मैंने कहा प्लस का मतलब अते, बोलो प्लस का मतलब क्या है, आभासी, आपसे मैं कह रहा हूँ आभासी एंड सीधा, तथा वन का मतलब क्या होता है बोलो बिंब के बराबर। क्लियर? तो आई होप ये भी फैक्ट आपको समझ में आया होगा। तो समतल दर्पण से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं
वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछी जाती है। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं समतल दर्पण के लिए नंबर सिक्स पॉइंट। नंबर सिक्स क्या है बोलो? मैंने कहा बहुत सी बार दो समतल दर्पण देते हैं, बीच में थीटा कोण देते हैं और इमेज की आपको बोलो संख्या पूछते हैं। मैंने कहा यदि दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण मैंने कहा थीटा कोण बोलो पर रखे हो, ठीक है, थीटा कोण पर रखे हुए हो तथा आपसे मैं कह रहा हूँ तो रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है, प्रतिबिंब की आपसे मैं कहूँ संख्या अगर आपसे पूछी जाती है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये दो समतल दर्पण हैं जो कितने एंगल पर रखे हुए हैं बोलो थीटा एंगल पर, और यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। और आपको जब भी प्रतिबिंब की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान में रखना, एन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा। यहाँ जो एन है वो प्रतिबिंब की संख्या नहीं है। यहाँ पर फिर आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बनता है केस फर्स्ट, यदि एन 1 3 5 7 9 इस तरह से मिले तो आपसे मेरे को नंबर ऑफ इमेज बोलो। मैंने कहा नंबर ऑफ इमेज प्रतिबिंब की संख्या क्या कर देना है, एन के बराबर ही टिक कर देना है। बोलो जो एन आए वही टिक कर देना है। बात समझ में आए? जैसे मैंने कहा एक बार क्वेश्चन आया टेट के अंदर दो समतल दर्पण और बीच का कोण दिया 72 डिग्री। क्लियर? और आपसे पूछा नंबर ऑफ इमेज। बात समझ में आए? और ऑप्शन देते हैं आपको तीन बोलो, आपसे मैं करूँ एक देते हैं बोलो चार, पाँच एक देते चार, एक देते छः। क्लियर? तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि क्या करना है। इधर देखो आपको पहला काम क्या करना है, एन निकालना है। 360 में 72 को करोगे तो आपको कितनी बार जाएगा, पाँच। और पहला केस कहता है 135 में आए तो जो आए वही टिक कर देना, यानी 5 ही आंसर हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, यदि आपसे मैं कह रहा हूँ एन जो है 2 4 6 बोलो, आपसे मेरे को 8 ऐसा है, ये विषम संख्या ये सम संख्या, इवन ओड ओड इवन समझते ही हो बोलो। तो नंबर ऑफ आपसे मेरे को इमेज में क्या करना, हमेशा एन माइनस वन करना है, जो एन आएगा उसमें एक घटा के टिक करना है। अगेन इसका भी क्वेश्चन देखें, मैंने कहा दो समतल दर्पण है, एंगल कितना है बोलो 90, और ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। क्लियर? और नंबर ऑफ आपसे मेरे को इमेज पूछी जाती है, ऑप्शन में वही चार हो बोलो, दो हो, मैंने कहा तीन हो और पाँच हो। तो पहला काम क्या करना है बोलो, आपको थीटा एन निकालना है। एन निकालने के लिए क्या करोगे, 360 में किसका डिवाइड करोगे, 90 का, तो कितना आ गया चार। और जब भी चार आएगा तो इमेज क्या करोगे, एक घटा के टिक करोगे, तो इमेज क्या करोगे एन माइनस वन मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 टिक कर दोगे। क्लियर? लेकिन यहां पर हमें पता है कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही एंगल दिया जाएगा कि पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे मैं कह रहा हूं आपको आपको मैंने कहा ऐसा लगता है कि आपको तीसरा केस, ठीक है, आपने सोल्व किया और आपको क्या लगता है केस नंबर 3, ओके, यदि आपका n जो है वो 5.2 7.5 9.7 बोलो 3.2 ऐसा प्राप्त होता है, क्लियर, या मैंने कहा 4.5, तो यानी इनके तीनों के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, या तो पूरा जाएगा तो विषम संख्या या सम संख्या या ऐसा होगा। तो इस केस में भी क्या करना है, आपको पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को हटा देना है और अगर आगे विषम संख्या आए तो वही टिक कर देना है, सम संख्या आए तो एक कम करके टिक कर देना है। बात समझ में आई बोलो? जैसे मैंने कहा कि एक बार क्वेश्चन आया टेट के अंदर 76 एंगल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ आपसे क्या पूछी है बोलो इमेज। तो मेरे कहने का मतलब है आप क्या करोगे बोलो, वही आपसे मैं करूं 300, मैंने कहा क्या करोगे बोलो, इधर ध्यान देना, मैंने कहा आपको एंगल कितना दिया है बोलो 76, और नंबर ऑफ आपसे मेरे को क्या पूछी है बोलो इमेज पूछी है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है आपको सॉल्यूशन करोगे तो पहले क्या निकालोगे एन, 360 में किसको डिवाइड करोगे 76 को, तो आपको पता है कि 4 point something जाएगा, तो आपको आगे वाला करना है क्योंकि वैसे हटाना है, 4.6 आएगा तो भी कटाना है, 4.3 आएगा तो भी हटाना है, कोई राउंड फिगर जैसा करना नहीं है, इसका मतलब पॉइंट के बाद वाले को भाग ही नहीं देना है, और 4 आएगा
तो आपसे मेरे को आई क्या हो जाएगा, एक लेस करके टिक कर देना, यानी तीन हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। उसके बाद आपसे मेरे को नंबर सेवन, नंबर सेवन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक आपसे मैं कह रहा हूँ, एक मैंने कहा एच ऊंचाई आपसे हाइट की, बोलो लड़की आपसे मेरे को अपने, बोलो सामने आपसे मेरे को रखे समतल दर्पण, अपने रखे सामने समतल दर्पण में अपने आप को, मैंने कहा अपने आपको, बोलो पूरा, मैंने कहा देखना, बोलो चाहती है, ठीक है चाहती है, तो बोलो दर्पण समतल दर्पण, समतल दर्पण बोलो की न्यूनतम ऊंचाई, आपसे मैं करूँ न्यूनतम, न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है लड़की की हाइट डिवाइड बाय टू, क्या करना है, लड़की की जो भी ऊंचाई दे आपसे मैं करूँ उसमें किसका भाग दे देना है, दो का आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। अगर लड़की 5.4 की है तो उसका आधा आपसे 2.7 हो जाएगा, लड़की अगर आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा 3.25 फीट की दे रखी है तो उसका आधा आपसे मैं कह रहा हूँ 1.6, मतलब जितना दे उसका आधा कर देना है, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा नंबर एट, कभी कभी आपको बोलते हैं ये दो समतल दर्पण है, बोलो आपसे मैं कहूँ जिसके बीच की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है, ये पहला दर्पण है ये दूसरा दर्पण है, बोलो आपसे मैं करूँ और आपको बोलते हैं कि इस दर्पण से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर। तो आपको बोलते हैं आपसे मैं कहूँ दोनों बोलो दर्पणों आपसे मैं कह रहा हूँ के प्रतिबिंबों, आपसे मैं कहूँ प्रतिबिंबों के मध्य, मध्य की दूरी, क्लियर, मध्य की दूरी आपको पूछा जाता है, क्लियर। तो इसका मतलब बहुत आसान है, करना क्या है, इधर देखो ये दो समतल दर्पण है आपसे मैं कहूँ, ये दो समतल दर्पण है, बीच में कितना है 40 सेंटीमीटर, इसको नंबर वन बोला, इसको नंबर टू बोला, यहाँ से ये दूरी कितनी दी है, बोलो आपको दी है 10 सेंटीमीटर, क्लियर। अगर ये 10 सेंटीमीटर दी है ऑब्जेक्ट की तो मुझे बताओ इसके लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हमें पता है समतल दर्पण में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनता है, तो आई वन कहाँ पर बनेगा 10 सेंटीमीटर पर, क्लियर। और यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, बोलो 30 सेंटीमीटर, तो इधर इमेज भी कितनी पर बनेगी, बोलो 30 सेंटीमीटर पे आई टू, क्लियर। अब आपको पूछा क्या है, दोनों दर्पणों के प्रतिबिंबों के मध्य की दूरी, तो मैंने कहा 10 और 30 और 40, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो आपसे मेरे को 80 सेंटीमीटर, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरे कहने का मतलब है समतल दर्पण के जो जो केस बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए, क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं, बोलो नंबर टू हमारा कौन सा, बोलो गोलीय दर्पण, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आपसे मैं कहूँ जिसमें वक्रता उपस्थित होती है, जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, आपसे मैं कह रहा हूँ एक कौन, बोलो मैंने कहा वैक्स, ठीक है मिरर, बात समझ में आए, बोलो। और एक होता है मैंने कहा अवतल दर्पण, बोलो अवतल दर्पण मतलब क्या हुआ, बोलो कॉनकेव मिरर, ठीक है अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। अगर हम देखें डिफरेंस तो पहला है बोलो चित्र, अगर उत्तल दर्पण की बात करूं तो मैंने कहा उत्तल दर्पण की बात करूं तो मैंने कहा ये कौन हुआ उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसमें बोलो यहाँ पर तो क्या होगी, बोलो पॉलिश होगी, और यहाँ पर क्या होगा, बोलो ये परावर्तक पृष्ठ होगी, क्या होगी, बोलो परावर्तक पृष्ठ, क्लियर। यानी आपसे जिसकी दसवीं सतह पर क्या हो पॉलिश, और ऊपरीवी सतह किसका काम करे, बोलो परावर्तक पृष्ठ का। इसी तरह से इसकी बात करूं तो मैंने कहा ये आपका कौन सा हो गया, बोलो अवतल दर्पण, ठीक है। दिस वन इज बोलो मैंने कहा परावर्तक पृष्ठ, और मैंने कहा ये पर क्या हो गई, बोलो पॉलिश, क्लियर ओके। आपसे मैं करूँ उसके बाद दूसरी बात, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मैंने कहा यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तीसरी बात मैंने कहा उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण आपसे मैं कहूँ प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब आपसे मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति की बात करें तो उत्तल दर्पण से हमेशा आपसे मैं कहूँ हमेशा मैंने कहा आभासी, बोलो मैंने कहा सीधा तथा बोलो क्या होता है
बीम से आप समय को छोटा, क्लियर, प्रतिबिंब ही बनता है, बीम से क्या बनता है, छोटा। जबकि इधर बात करें तो इधर मैंने कहा प्रतिबिंब की प्रकृति, बोलो वास्तविक, मैंने कहा उल्टा, क्लियर। आभासी, बोलो मैंने कहा सीधा, तथा मैंने कहा छोटा, बोलो बड़ा, बोलो बराबर, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं जो कि बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है, क्लियर। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि अगर हम बोलो फोर्थ पॉइंट देखें, जैसे मैंने कहा यूज, तो उत्तल दर्पण का यूज कहाँ आता है, एक तो वाहनों, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है वाहनों के, मैंने कहा साइड, बोलो ग्लास में, वाहनों के साइड ग्लास में, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा जो भी बड़े हॉस्पिटल है, बोलो होटल है, आपसे मैं हॉस्पिटल एंड होटल, बोलो के, मैंने कहा एंट्रेंस, आपसे मैं करूँ एंट्रेंस पर, आपने देखा होगा बड़ा सा आपसे मैं को इस तरह से लगा रहता है ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, उसके लिए, बात समझ में आए। और अगर अवतल दर्पण की देखें तो अगर यूज की बात करें, एक तो यूज कहाँ होता है, बोलो मैंने कहा वाहनों की हेडलाइट, आपसे मैं को हेडलाइट में। दूसरा मैंने कहा ई एन टी, बोलो आपसे मैं को नाक कान गले के और दांतों, आपसे मैं कह रहा हूँ के डॉक्टर, आप समय करूँ द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा, आपने देखा होगा इस छोटा सा ऐसा होता है, बात समझ में आए। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए, इसमें ये वाला ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ अवतल दर्पण के आपने देखा एक से ज़्यादा केस बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पेशल नोट पता होना चाहिए। स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ कि पहला स्पेशल नोट, ये सपोजेड आपका क्या है, बोलो अवतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, बोलो अवतल दर्पण है। तो ये पॉइंट क्या होता है, बोलो पी, क्या बोलते हैं, ध्रुव बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव बिंदु, यानी पोल पॉइंट होता है। ये क्या होती है, बोलो मुख्य अक्ष होती है, क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। इसमें यहाँ ये एफ पॉइंट क्या है, बोलो फोकस बिंदु है, क्लियर, क्या है, बोलो फोकस बिंदु है, क्लियर। मैंने कहा ये क्या, सी वक्रता बिंदु है, क्या है, बोलो वक्रता बिंदु है, क्लियर। तो मैंने कहा इस वाली दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, और इसको क्या कहेंगे, बोलो वक्रता त्रिज्या। तो एफ क्या है यहाँ पर, बोलो फोकस दूरी, क्लियर। और मैंने कहा आर क्या है, बोलो वक्रता त्रिज्या। और अभी मैंने आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, बोलो ऑप्शन डबल होती है, क्लियर। एक तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए, बोलो बात समझ में। उसके बाद आपको मैंने कहा छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा प्रतिबिंब आपसे मैं को बनाने के नियम, ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम, क्लियर। प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं, पहला नियम आपसे मैं करूँ, बोलो मैंने कहा यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो आपसे मैं करूँ वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है, क्लियर। दूसरा नियम क्या है, बोलो आपसे जब भी कोई प्रकाश किरण, मैंने कहा फोकस बिंदु से होके आती, इसका जस उल्टा है, फोकस बिंदु से होके आती है तो दर्पण के, बोलो आपसे मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तीसरा नियम क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण आपसे मैं करूँ मुख्य अक्ष बोलो के वक्रता बिंदु से होके आती है, वक्रता बिंदु से होके आती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद अपने पथ को दोहराती है। और चौथा नियम है कि जब भी कोई प्रकाश किरण आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा आपके ध्रुव बिंदु पर आती है तो बोलो आपसे उसकी दूसरी ओर जाती है। इसका मतलब ये चार नियम प्रतिबिंब बनाने के होते हैं। अब रही बात, आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बोलो इस दर्पण से इतनी दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको करके बता देता हूं। जैसे मैंने कहा यदि अवतल दर्पण, आप समय को अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मैंने कहा फोकस दूरी, बोलो आपसे फोकस दूरी यहाँ पर मैंने कहा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा आपसे मैं कह रहा हूँ तथा बोलो एक बिंब, आपसे मैं कहूँ बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बोलो दर्पण से, आपसे मैं कह रहा हूँ दर्पण
दर्पण से, बोलो मैंने कहा, बोलो दर्पण से 100 सेंटीमीटर आपसे मैं कहूँ 40 सेंटीमीटर पर रखा आपसे मैं कहूँ जाता है, ठीक है, कहाँ रखा जाता है, 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। तो मैंने कहा प्रतिबिंब, बोलो प्रतिबिंब की, बोलो स्थिति आपसे मैं करूँ होगी, क्लियर, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले देखो दर्पण कौन सा है, अवतल है, इसका मतलब फोकस दूरी जो आपको दे रखी है वो -20 सेंटीमीटर यूज करना है, यू तो हमेशा ही दर्पण से सामने ही होगा -40 सेंटीमीटर, वी आपको पूछा है किससे करोगे, बोलो दर्पण सूत्र से, ठीक है, दर्पण सूत्र से करोगे तो आपको पता होना चाहिए 1/f = 1/v + 1/u, जो चीजें आपको दे रखी है उनको हमेशा चिन्ह के साथ यूज करना है। 1/ आपसे मैं करूं -20, बोलो 1/v निकालना है और यहां पर मैंने कहा -40, क्लियर, तो 1/-20 और हमने क्या देखा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो यहां पर, बोलो मैंने कहा, बोलो मैंने कहा, बोलो क्या हो जाएगा -140, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो मैंने कहा प्लस, क्लियर, तो 1/v = आपसे मैं कह रहा हूँ -1/20 और इधर जाएगा तो बोलो प्लस हो गया, एलसीएम लिया कितना आया 40 सेंटीमीटर, ये -2 और ये मैंने कहा 1 तो -1/40, तो आपने क्या देखा v = -40 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब आंसर ठीक कर दोगे, और वैसे यहाँ तो पता चल रहा है कि अगर फोकस दूरी बोलो 20 से और आपको -40 पर रखा मतलब वक्रता बिंदु पर रखा है तो वक्रता बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो -40 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये ओरिजिनल तरीका इसलिए आना चाहिए कि हर बार जरूरी नहीं है कि बोलो आपको इस तरह से सेटिंग मिले, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ये आपको मेथड आना ही चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो चीजें आपको दे रखी वो हमेशा चिन्ह के साथ रखना है, और चिन्ह भी क्या, अगर उत्तल दर्पण हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, अवतल हो तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और रही बात हमेशा ही बोलो ऑब्जेक्ट को तो पोजिशन नेगेटिव में लेनी पड़ेगी क्योंकि वो दर्पण के सामने ही होता है, और प्रतिबिंब की आपकी चिन्ह और वैल्यू अपने आप सोल्व करोगे तो आ जाएगी, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है मैंने आपको प्रकाश की आप समय को एक घटना जिसका नाम है परावर्तन और उस पर आधारित उपकरण बोलो दर्पण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्लियर। नेक्स्ट अपना आ जाते हैं, बोलो मैंने कहा प्रकाश का, बोलो आप समय को अपवर्तन, क्लियर, बोलो मैंने कहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये घटना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो मैंने कहा अपवर्तन दो घटना की माध्य दो बोलो माध्यम की घटना है, ये मैंने कहा दो माध्यम, ठीक है, दो माध्यम की बोलो घटना है, ठीक है, दो घट माध्यम की फिनोमिना है, क्लियर। तो मैंने कहा ये एक माध्यम ये दूसरा माध्यम, ये प्रकाश किरण आती है, क्लियर, ये आपतन कोण है, तो वो अभिलंब से पास भी आ सकती है और मैंने कहा अभिलंब से दूर भी जा सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बोलो आपसे मैं करूँ बोलो यहाँ कौन सा मीडियम है और यहाँ कौन सा मीडियम है, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर आई क्या है, तो हम बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है, और मैंने कहा आर क्या है, तो हम बोलेंगे बोलो अपवर्तन कोण, क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या है, अपवर्तन के नियम है, मैंने कहा अपवर्तन बोलो के नियम, क्लियर। अपवर्तन के नियम की बात करें दो नियम है, बोलो आपसे मैं कहूँ, एक तो आपतित किरण, बोलो मैंने कहा आपतित किरण, बोलो आपसे मैं कहूँ अपवर्तित किरण, अपवर्तित आपसे मैं कहूँ किरण, ठीक है, तथा बोलो अभिलंब, तथा अभिलंब नॉर्मल एक ही तल में होने चाहिए, एक ही मैंने कहा तल में होने आपसे मैं कहूँ चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि बोलो आपसे स्नेल के नियम का पालन होना चाहिए, स्नेल के नियम आपसे मैं कहूँ का पालन आपसे मैं कहूँ होना चाहिए, ठीक है, पालन होना चाहिए, ओके। तो हम इस घटना का एनालिसिस करें उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए तो आपको ये घटना समझ में आएगी। अगेन क्या लिख रहा हूँ, बोलो स्पेशल
नॉट, स्पेशल नॉट में पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या आपसे मैं करूँ, मैंने कहा यहाँ पर म्यू और आपसे मैं कहूँ वन अपॉन वी वन अपॉन लेमडा, मतलब आपको अपवर्तनांक वेग और तरंग दैर्ध्य में ये संबंध पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एक होता है बोलो विरल माध्यम, ठीक है बोलो आपसे मैं कहूँ, एक होता है सघन माध्यम, इनका मतलब क्या है, तो मैंने कहा एक है रेयर मीडियम आपसे मैं कह रहा हूँ, एक है डेंस मीडियम, क्लियर डेंस मीडियम। तो मेरे कहने का मतलब है सीधी सी बात है कि बोलो आपसे मैं कहूँ जिस माध्यम का अपवर्तनांक बोलो ज़्यादा होगा वो हमेशा कौन होगा बोलो डेंस मीडियम होगा, क्लियर। इसका मतलब कोई भी मीडियम फिक्स नहीं है, एक रेयर होगा कि डेंस होगा, डिपेंड करता है कि हम किससे तुलना करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा वायु एंड जल में अगर मुझे इनमें तुलना करनी है तो वायु का अपवर्तनांक एयर का कितना है बोलो वन होता है, और मैंने कहा वाटर का कितना होता है तो बोलो 4/3 यानी 1.33 होता है। अगर ये दो मुझे पता है तब तो मैं बोल दूंगा कि एयर जो है वो तो क्या है बोलो विरल माध्यम, क्या है बोलो विरल माध्यम, और मैंने कहा जल क्या हो गया बोलो सघन माध्यम, ठीक है सघन माध्यम। अब मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, मैंने कहा बोलो आपसे कांच ठीक है एंड जल में, ठीक है बोलो जल में देखना है, तो मैंने कहा म्यू ग्लास, चूंकि म्यू ग्लास बोलो कितना होता है 3/2 यानी 1.5, और म्यू वाटर क्या होता है 4/3 यानी 1.33, अगेन मैंने कहा इनको देखते हैं तो हमें पता चल गया कि वाटर तो बोलो तुलनात्मक रूप से क्या होगा बोलो विरल माध्यम, और मैंने कहा कांच ग्लास क्या हो गया बोलो सघन माध्यम। तो एक बात श्योर हो गई, कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पर जल क्या बना था सघन, यहाँ जल क्या बन गया विरल, इसका मतलब हुआ कि हमें कोई भी पूछे जल क्या है हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम किसके कंपेयर में बता रहे हैं, हमें किसके कंपेयर में पूछ रहे हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा तीसरा स्पेशल नोट आपको क्या पता होना चाहिए, तीसरा स्पेशल नोट की बात करें तो तीसरे स्पेशल नोट की बात करते अगर हम, तो मैंने कहा तीसरा स्पेशल नोट आपको पता होना चाहिए कि तीसरा स्पेशल नोट क्या बोलो स्नेल का नियम, ठीक है बोलो, मैंने कहा किसका नियम बात करूं मैं बोलो स्नेल के नियम की बात करते हैं। तो मैंने कहा स्नेल ने कहा कि मेरा नियम पहले बात तो वहाँ लगेगा जहाँ पर कितने माध्यम होंगे, दो माध्यम होंगे, क्लियर, ये एक माध्यम है ये दूसरा माध्यम, क्लियर। तो आपसे मैं कहूं स्नेल कहता है, स्नेल कहता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मेरा नियम लगाना है, तो आपसे मैं कह रहा हूं मेरा नियम लगाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं कहूं स्नेल कहता है कि मेरा नियम क्या है म्यू वन, यानी जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उस माध्यम का, आपसे मैं कह रहा हूं जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उस माध्यम का अपवर्तनांक इनटू आपसे मैं कह रहा हूं बोलो उस माध्यम का आपतन कोण, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तनांक, और आपसे मैं कह रहा हूँ उसका बोलो अपवर्तन कोण, ये आपको फॉलो करना है। इसका मतलब किताबों में लिखा होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये स्नेल का नियम, ऐसा स्नेल ने कभी नहीं बताया है, स्नेल ने तो कहा है कि मेरा नियम जो होता है वो आपसे मैं कहूँ म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू वन क्या है आपतित किरण का माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू टू क्या है आपसे मैं कह रहा हूं अपवर्तित किरण का अपवर्तनांक, आई क्या है आपतन कोण और आर क्या है अपवर्तन कोण, क्लियर। तो आपको मेरी बात समझ में है। फोर्थ स्पेशल नोट और क्या पता होना चाहिए बोलो आपसे मैं करूँ कि ये जो मैंने तीन स्पेशल नोट बताया और एक मैंने कहा जो आपकी आवृत्ति है, ठीक है बोलो आपसे मैं करूँ, यह केवल आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो स्रोत पर ही, स्रोत पर ही निर्भर आपसे मैं करूँ करती है, ठीक है। तो आपको मैंने ये सपोजेड चार स्पेशल नोट बताया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि बोलो ये जो घटना हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का बोलो अपवर्तन, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने लिखा एनालिसिस आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ, मैंने कहा रिफ्रैक्शन बोलो आपसे मैं फिनोमिना, ठीक है फिनोमिना, मेरे कहने का मतलब है अपवर्तन बोलो घटना बोलो का
मैंने कहा विश्लेषण, ठीक है, बोलो विश्लेषण। तो मैंने कहा दो माध्यम की घटना है, तो इसका मतलब मुझे दो केस करने पड़ेंगे। एक मुझे एक बार बोलो आपको स्टडी कराना पड़ेगा, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाए तब क्या क्या होगा, और एक बार सघन से विरल में जाए तब क्या क्या होगा। तो पहला केस क्या है, यदि मैंने कहा प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण आपसे मैं कहूँ विरल से, बोलो विरल से सघन माध्यम, बोलो आपसे सघन माध्यम में आपसे मैं कहूँ जाती है, ठीक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने की बात होगी। तो अगर विरल माध्यम से सघन जाति में जाने की बात होगी, अब चूंकि फिक्स हो गया ये तो रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, क्लियर। अब हमें पता है कि बोलो आप समय करो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आपका बोलो अपवर्तनांक और वेलोसिटी क्या होती है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियर। और मैंने कहा डेंस मीडियम का अपवर्तनांक रेयर मीडियम से ज़्यादा होता है, तो जब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी वहाँ पर क्या होगी, कम, और जब वेलोसिटी कम होगी तो किरण कहाँ होगी, बोलो बोलो अभिलंब की ओर आएगी। इसका मतलब विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण हमेशा अभिलंब की ओर आती, क्यों आती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती, वेलोसिटी घटेगी तो तरंग दैर्ध्य भी घटेगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी घटेगी। तो मैंने कहा लेकिन जो आवृत्ति है वो क्या रहेगी, बोलो अपरिवर्तित। मैंने अभी आपको बताया था आवृत्ति हमेशा क्या रहेगी, अपरिवर्तित। तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है, बढ़ जाती है, तो आपको कभी रटना नहीं है, आपको फंडा पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर थ्री, अगर मैं स्नेल बोलो का नियम बताऊँ, तो मैंने कहा स्नेल का नियम लगा लेते हैं, बोलो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। मैंने कहा म्यू वन किस माध्यम से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, ओके। मैंने कहा किस माध्यम में जा रही है, डेंस मीडियम में जा रही है, ये कर दिया। अब मैं मानता हूं यदि म्यू आर इज इक्वल टू, मैंने कहा एयर इज इक्वल टू वन, और म्यू डी इज इक्वल टू, मैंने कहा कोई भी एनी मीडियम है, ओके, बोलो आपसे मैं कहूँ कोई भी माध्यम है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक म्यू है, तो ये मानकर अगर हम सोल्व करते हैं तो या वन रखा या साइन आई किया या म्यू किया और या साइन आर किया, क्लियर। तो मैंने क्या देखा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू, जो किताबों में लिखा होता है, क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ ये तो मैंने आपको अपवर्तन घटना का केवल एक केस बताया है, अपवर्तन घटना का मतलब विरल से सघन में जाना ही नहीं होता है, विरल से सघन या सघन से विरल दोनों में जाना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें कंडीशन है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में ही जानी चाहिए। अपवर्तन के अंदर तो सघन से विरल, विरल से सघन किसी में भी जा सकती है। तो हम दूसरा केस करते हैं, मैंने कहा यदि प्रकाश किरण आपसे मैं कहूँ प्रकाश किरण बोलो किधर से किधर भेजू, बोलो सघन से आपसे मैं कहूँ विरल माध्यम, ठीक है, सघन से विरल माध्यम में बोलो आपसे मैं कहूँ जाए, ठीक है। फिर एनालिसिस करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर मैंने किया ये विरल माध्यम, आपसे मैं कहूँ किधर से किधर भेज रहे हैं, सघन से विरल में, क्लियर। तो मैंने कहा आप इमेजिंग करो, इमेजिंग करो, आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, बोलो आपका, बोलो मैंने कहा आपको ये क्या है, आपको मैंने बोला, ठीक है, बात को समझना, ओके, आपसे मैं कह रहा हूं ये आपका कौन सा मीडियम है, मैंने कहा ये सघन मीडियम है, ठीक है, और ये कौन सा है, विरल माध्यम है। अगर ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस बार आपसे मेरे को आपतन कोण ये हो गया, अब किस में जा रही है, रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में आपको पता है कि म्यू आपसे मेरे को डेंस जो होता है वो म्यू रेयर से ज़्यादा होता है, तो आपको म्यू और वेलोसिटी आपको पता है, इस बार रेयर का ये कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, बोलो दूर जाएगी, तो इसका मतलब ये दूर जाएगी। अगर ये दूर जाएगी तो मैंने कहा अगर ये दूर जाएगी तो इसका बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसका
अगर ये दूर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। क्लियर, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। क्लियर, आपको मैंने कहा इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। क्लियर, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसकी आपसे मैंने कहा तरंग दे दे रही है, ठीक है बोलो, मैंने कहा इसकी तरंग दे दे रही है भी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। ओके ठीक है, वेलोसिटी मैंने कहा यहाँ पर बोलो, वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज, तरंग दे दे भी क्या होगी इंक्रीज। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो, आपको मैंने कहा इसकी जो आपकी आवृत्ति है वो क्या रहेगी बोलो, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अपरिवर्तित आपसे मैं कहूँ रहेगी। ओके, अब आपको मैंने कहा अगेन हमें क्या देखना है, स्नेल का नियम। क्या देखना है बोलो, स्नेल का नियम। ओके, स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू वन साइन I is equal to mu 2 sin R. Clear? Mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R. अगर मैंने कहा इस बार माध्यम कौन सा है, डेंस मीडियम है। ओके, मैंने कहा यहां पर बोलो ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपसे मैंने कहा अपवर्तन कोण है। यहां पर भी हमने माना बोलो क्या, रेयर मीडियम के लिए 1 मान लिया बोलो, सपोज दैट आपसे मैं एयर, और मैंने कहा म्यू डी इज इक्वल टू म्यू मान लिया एनी मीडियम। क्लियर, एनी मीडियम, और इसको सोल्व करते हैं, यहां पर रख दूं म्यू, यहां पर कर दूं बोलो साइन आई, यहां पर कर दूं 1, यहां पर कर दूं साइन आर। तो यहां पर जब मैं करूंगा तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो इस बार तो 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। इसका मतलब स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू भी होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू भी होता है। डिपेंड करता है प्रकाश की किरण किधर से किधर जाती है, सघन से विरल में जाती है, विरल से सघन में जाती है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ज्यादातर आपके क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि एक प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब की ओर आती है कि दूर जाती है, तो अभिलंब से दूर जाती है। प्रकाश की किरण बोलो जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर क्यों जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्लियर, इसका मतलब हुआ कि जब भी अपवर्तन की घटना में एक प्रकाश किरण बोलो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब के दूर या पास जाने का कारण वेग में परिवर्तन माना जाएगा। क्लियर, तो आपसे मैं को आई होप मेरी ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने जब आपको आपको एनालिसिस करा दिया तो इस पर बेस आपका क्या प्रकाश उपकरण होता है, लेंस होता है। क्या होता है बोलो, लेंस। क्लियर, तो मैंने कहा लेंस की स्टडी करते हैं। लेंस क्या होता है, दो अपवर्तक पृष्ठों से बनी आकृति को क्या कहते हैं, लेंस। दो मैंने कहा अपवर्तक, ठीक है बोलो, पृष्ठों आपसे मैं कहूं से बनी बोलो आकृति, आपसे मैं को आकृति को लेंस कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको, लेंस आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। किससे बनी, दो अपवर्तक, दो रिफ्रेक्टिव सरफेस बोलो से बनी आकृति को लेंस कहते हैं। उसके बाद अगर हम लेंस के प्रकार देखें तो मैंने कहा लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक क्या होता है उत्तल लेंस, और एक मैंने कहा क्या होता है बोलो, अवतल लेंस। ठीक है, क्या होता है अवतल लेंस, यानी एक होता है बोलो मैंने कहा कॉनवेक्स लेंस, ठीक है, और एक क्या होता है बोलो कॉनकेव लेंस, ठीक है कॉनकेव लेंस। ओके, यहां पर इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो आप समय को डिफरेंस में नंबर 1 सबसे पहला चित्र देखे तो सब जानते हैं, बचपन से पढ़ा है उत्तल लेंस जिसके कॉर्नर क्या होते हैं पतले और बीच में से क्या होता है मोटा। अवतल लेंस की बात करें तो उल्टा होता है बोलो आप समय को बीच में से पतला और किनारों पे क्या होता है मोटा चौड़ा होता है। उसके बाद इसकी फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव और इसकी फोकस दूरी क्या होती है नेगेटिव। लेंस हो या दर्पण हो, फोकस दूरी उत्तल की हमेशा पॉजिटिव होती है, अवतल की हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं बात करें प्रतिबिंब की तो मैंने कहा प्रतिबिंब के मामले में उल्टा होता है जो उत्तल दर्पण होता है। बोलो आपसे मैं कहूँ सभी प्रकार के, सभी बोलो प्रकार के, सभी प्रकार के का मतलब हो गया कि वास्तविक और उल्टा भी इससे बनेगा। मैंने कहा बोलो आभासी, आपसे मैं कह रहा हूँ आभासी और सीधा भी बनेगा। बोलो मैंने कहा आभासी और सीधा भी बनेगा, छोटा बड़ा बराबर सब बनेगा। बोलो मैंने कहा आभासी,
ठीक है, बोलो एंड सीधा भी बनेगा, और मैंने आपसे कहा कि बोलो छोटा, बोलो बड़ा, मैंने कहा एंड बराबर, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, क्लियर। जबकि आपसे मैं को इसकी बात करें अवतल की, तो इससे आपसे मैं कह रहा हूँ, इससे हमेशा मैंने कहा बोलो आभासी, आपसे मैं कह रहा हूँ सीधा, ठीक है, तथा आपसे मैं कहूँ छोटा, बोलो आपसे प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब हुआ कि दर्पण में जैसा हो रहा था, बोलो उसका जस क्या होता है, उल्टा होता है, उसका जस क्या होता है, उल्टा होता है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए बोलो क्या याद होना चाहिए, एक तो याद होना चाहिए लेंस सूत्र, आपसे मैं कहूँ लेंस सूत्र, आपको पक्का पता होना चाहिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में आपसे मैं कहूँ क्या, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अगर आपको ये पता है तो आपको दो चीज दी जाए, तीसरा कभी भी निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, यू तो हमेशा ही नेगेटिव रखना है। एफ के बारे में देखना है कि अगर कॉनवेक्स लेंस है तो एफ क्या लेना है, पॉजिटिव, और मैंने कहा कॉनकेव लेंस है तो एफ क्या लेना है, बोलो नेगेटिव, और वी अपना चिन्ह खुद लेके आएगा। और रही बात आवर्धन, आपसे मैं को आवर्धन का सूत्र, तो आवर्धन का सूत्र जो होता है वो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है। इसका मतलब हुआ दर्पण हो या लेंस हो, आपको एक के फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि दर्पण में यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है, लेंस में यहाँ माइनस आता है तो यहाँ प्लस आता है। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे दर्पण का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे आपका बोलो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, क्लियर। रही बात कभी कभी आपको पूछ लेते हैं अपवर्तन के उदाहरण, आपसे मैं कहूँ अपवर्तन के उदाहरण, तो आपको पता है कि बोलो पानी, आपसे मैं कहूँ से, बोलो मैंने कहा भरे पात्र, बोलो मैं रखे, आपसे मैं कहूँ सिक्के, बोलो का ऊपर उठा, आपसे मैं कहूँ उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ आपसे मैं कहूँ दिखाई, बोलो दिखाई देना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन का। इसी तरह से मैंने कहा पानी से, आपसे मैं कहूँ भरी, बोलो बाल्टी, ठीक है, मैंने कहा रखी, बोलो छड़ी, आपसे मैं कह रहा हूँ का मुड़ा हुआ, ठीक है, का मुड़ा हुआ, आपसे मैं कहूँ मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई, बोलो आपसे मैं कहूँ देना, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा कि बोलो आपसे मैं कहूँ पानी में, आपसे मैं कहूँ मछली, मछली बोलो को बाहर, आपसे मैं कहूँ पक्षी का, आपसे मैं कहूँ थोड़ा ऊपर, आपसे मैं कहूँ उड़ता हुआ दिखाई देना, थोड़ा आपसे मैं कहूँ ज़्यादा, बोलो ऊपर, मैंने कहा उड़ता, बोलो आपसे मैं उड़ता, बोलो हुआ दिखाई, बोलो दिखाई दिखाई देना। इसी तरह से मैंने कहा बोलो तारों का, आपसे मैं कहूँ टिमटिमाना, टिमटिमाना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, बोलो अपवर्तन के उदाहरण है, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पूर्ण आंतरिक, आपसे मैं कहूँ परावर्तन में, ज़्यादा नहीं, आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो इसकी शर्तें पता होनी चाहिए, शर्त क्या है, बोलो प्रकाश की, बोलो आपसे मैं किरण, आपसे मैं कहूँ किरण, मैंने कहा सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, आपसे मैं कहूँ मैं जानी चाहिए, क्लियर। एक सर तो ये है, दूसरा मैंने कहा आपतन कोण, आपसे मैं करूँ आपतन कोण, आपतन कोण का मान, आपसे मैं कहूँ मान, क्रांतिक कोण, बोलो क्रांतिक कोण, मैंने कहा बोलो थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दो बातें, दो शर्तें हमेशा पता होनी चाहिए, बोलो जो मैंने दूसरी शर्त लिखी है उसका मतलब आई हमेशा क्या होना चाहिए, थीटा सी से बोलो ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा आपसे मैं कहूँ टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांति परावर्तन के उदाहरण, क्लियर।
पहला मैंने कहा आपसे, मैं कह रहा हूँ बोलो मरीचिका, ठीक है। मरीचिका यानी मिरेज क्या होता है बोलो, रेगिस्तान में बोलो। आपसे मैं कह रहा हूँ भ्रमण कोई करता है तो दूर जल के जलाशय दिखाई देते हैं, ये मात्र दृष्टि भ्रम है जो पूर्णांति परावर्तन से होता है, जिसके मरीचिका कहते हैं। इसी तरह से उन मरीचिका, क्लियर बोलो, अप मिरेज, उन मरीचिका क्या होता है, अप मिरेज क्या होता है। तो मैंने कहा समुद्र के किनारे कोई खड़ा है, दूर आपका जहाज कोई तैर रहा है, तो वो जल की सतह से थोड़ा ऊंचा वो उठाई दिखाई देता है, उसको अप मिरेज उन मरीचिका कहते हैं। इसी तरह से मैंने कहा प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर पूछे किसका एग्जाम्पल है, तो ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु भी किसका एग्जाम्पल है, पूर्णांति परावर्तन का। इसी तरह से आपसे मैंने कहा हीरे की चमक पूछे तो आपका वो भी किसका एग्जाम्पल है, पूर्णांति परावर्तन का। ये कुछ आपको फेमस एग्जाम्पल पता होना चाहिए, मतलब पूर्णांति परावर्तन नहीं है सिलेबस में, फिर भी इतनी बात तो आपको पता होनी ही चाहिए। हमने आपसे मैं कह रहा हूँ हमारा जो प्रकाश टॉपिक है उसमें चार कंटेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के साथ समतल दर्पण भी बताया, उसके केस बताया, उसके बाद मैंने आपको बोलो प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के बोलो एनालिसिस किया, लेंस, लेंस के प्रकार, लेंस के बोलो सूत्र और आवर्तन का सूत्र, और उसके बाद मैंने आपको पूर्णांति परावर्तन के बारे में भी बता दिया। अब हम देखते हैं मानव नेत्र, क्या देखते हैं बोलो, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आपसे मैं को आई, तो इसका मतलब हुआ कि आपको मानव नेत्र का थोड़ा डायग्राम का पता होना चाहिए। तो आपसे मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मानव नेत्र की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लियर, इधर ध्यान देना। जैसे मैंने कहा मानव नेत्र की स्ट्रक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, इधर समझो। मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने लिखा है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है, क्या होता है, कॉर्निया, ठीक है बोलो आपसे मैं कहूँ कॉर्निया। उसके बाद ये क्या होता है, स्क्लेरा होता है, क्या होता है, स्क्लेरा होता है, ठीक है बोलो क्या होता है, स्क्लेरा, बात समझ में है। और ये कॉर्निया स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन जिसको लिम्बस भी कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा ये क्या होता है बोलो, आयरिस होता है, क्या होता है, आयरिस, क्लियर आपसे मेरे को, आयरिस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सीलियरी बॉडी, मैंने कहा क्या होती है बोलो, सीलियरी बोलो बॉडी होती है, ठीक है, क्या होती है बोलो, मैंने कहा सीलियरी बोलो काय होती है, क्लियर ओके। आपसे मेरे को ये आयरिस है, ये सीलियरी बॉडी है, और दोनों आयरिस के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, आपसे पुतली, क्लियर ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ ये क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट, मैंने कहा सस्पेंसरी बोलो लिगामेंट, ठीक है, क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, सस्पेंसरी आपसे मैं कहूँ लिगामेंट होता है, क्लियर ओके। उसके बाद ये क्या होता है, लेंस, और मानव नेत्र के अंदर कैसा लेंस होता है, कॉनवेक्स होता है, क्लियर, क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, किस प्रोटीन का बना होता है बोलो, क्रिस्टलाइन आपसे मैं कहूँ प्रोटीन का, क्लियर आपसे मैं कहूँ का बना होता है। उसके बाद मैंने कहा ये जो आपको जस्ट सामने नजर आ रहा है ये सबसे अंदर ये क्या है बोलो, रेटिना है, जिसपे क्या लगे होते हैं बोलो, रोड्स एंड कॉन्स आपसे मेरे को उपस्थित होते हैं। इस लेंस के जस्ट सामने जो एरिया होता है बोलो आपसे मैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया सेंट्रलिस, क्या बोलते हैं, एरिया सेंट्रलिस बोलते हैं, क्लियर, क्या बोलते हैं बोलो, एरिया, मैंने कहा सेंट्रलिस, ठीक है। इस एरिया सेंट्रलिस पे रोड्स तो क्या होते हैं बोलो, कम, और कॉन्स क्या होते हैं बोलो, ज़्यादा होते हैं, क्लियर ओके। और इसी के अंदर सेंटर में एक एरिया होता है जिसको हम फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रलिस, इस पे ओनली क्या होते हैं बोलो, कॉन्स उपस्थित, क्लियर,
थोड़ा सा इसके नीचे एक ऐसा एरिया जहाँ से सारी ऑप्टिक नर्व निकलती है, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, मैंने कहा अंध बिंदु। क्लियर। और यहाँ पर रोड्स और कॉन्स दोनों क्या होती है? एबसेंट। और ये निकलने वाली नर्व को क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा कोनिया से लगाकर लेंस के बीच में, बोलो आपसे मैं कहूँ कौन सा द्रव होता है? एक्वस ह्यूमर। और लेंस से लगाकर रेटिना के बीच में कौन सा होता है? विट्रस ह्यूमर। ये जो होता है वो आपसे मैं कहूँ विट्रस, बोलो द्रव होता है। क्लियर। जिसको हम काचाव द्रव भी कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है उसको क्या कहते हैं? बोलो जलीय द्रव। एक्वस ह्यूमर, बोलो जलीय द्रव। यानी क्या होता है? एक्वस ह्यूमर आपसे मैं कह रहा हूँ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? बोलो विट्रस ह्यूमर, काचाव द्रव भी कहते हैं। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा आई की स्ट्रक्चर आइडिया होना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको? मैंने कहा एक कॉर्निया, एक स्क्लेरा। बोलो कॉर्निया और स्क्लेरा को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिम्बस। क्या कहते हैं? लिम्बस। उसके बाद ये बोलो क्या होता है? आयरिस। और आपको पता होना चाहिए आयरिस जो होती है वो कैमरे के डायाफ्राम, आपसे मैं कहूँ कैमरे के डायाफ्राम, आपसे मैं कह रहा हूँ के समान होती है। उसके बाद मैंने कहा ये बोलो प्यूपिल होती है, जिसको कैमरे के शटर के समान माना जाता है। ये एक्वस ह्यूमर होता है, ये विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव किसके बिटवीन होता है? तो आप कहोगे बिटवीन कॉर्निया, आपसे मैं कहूँ बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस होता है। और ये विट्रस ह्यूमर होता है, ये लेंस एंड रेटिना होता है। रेटिना पर रोड्स और कॉन्स दोनों लगे होते हैं, लेकिन ये जो ब्लाइंड स्पॉट अंधबिंदु होता है, यहां पर रोड्स और कॉन्स क्या होते हैं? दोनों एब्सेंट होते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब अपने को दिमाग में आता है कि हम लाइट फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे एग्जामिनर ने कंटेन मानव नेत्र क्यों रखा? बिकॉज आपका आई डिफेक्ट समझना है। तो आई डिफेक्ट आपको समझना है तो पहले आई की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अब आपसे मैं करूँ, मैं क्या बताने जा रहा हूँ? आई डिफेक्ट बताने जा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? नेत्र दोष। क्या बता रहा हूँ? बोलो नेत्र दोष। क्लियर। अच्छे से रिफंगना आई डिफेक्ट। तो मैंने कहा आई डिफेक्ट बोलो कितने तरह के होते हैं? बोलो तीन तरह के। एक मैंने कहा निकट दृष्टि दोष। निकट, बोलो मैंने कहा दृष्टि दोष, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मायोपिया। क्या बोलते हैं? बोलो मायोपिया। क्लियर। और आपसे मैं कहूं एक होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर, बोलो दृष्टि दोष, जिसको क्या बोलते हैं? बोलो मेट्रोपिया। आपसे मैं कहूं मेट्रो पिया, या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपर, आपसे मैं को मेट्रोपिया। आज के टाइम में ये जो इंग्लिश में नाम मैंने लिखे हैं बहुत पॉपुलर है, मायोपिया और मेट्रोपिया। हिंदी में भी ऐसे लिख के दिया जाता है। क्लियर। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। मैंने कहा जरा, बोलो दृष्टि दोष। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा जरा दृष्टि दोष मतलब प्रेस बायो पिया। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ मेन तो ये दोनों हैं, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सी बार आपसे मैं को स्टूडेंट बचपन से पढ़ते आते हैं लेकिन इनका फंडा क्लियर नहीं होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहला मैंने कहा परिभाषा, ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष की हर एक बात इसकी परिभाषा में छिपी हुई है। परिभाषा क्या? बोलो परिभाषा के लिए हमें थोड़ा आई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी मैं बोलो बनाया था, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ। क्लियर, आपको ऐसे ही समझाने के लिए। मैंने कहा ये लेंस है। क्लियर। अब आप इमेजिन करो कि ये एक फार ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक बोलो फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है? दूर स्थित आपसे ऑब्जेक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है इसकी बोलो प्रकाश किरण जाएगी, बोलो आपसे मैं को लेंस से। और मैंने कहा जब जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बोलो रेटिना पर, तो हमें क्लियर दिखाई देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है? बोलो आपका इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के निकट बनती है। तो आपसे मैं करूँ इसको हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। आपसे मैं को ये जो नाम लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही नाम है, बस समझने की जरूरत है। बोलो मैंने कहा कि निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? दूर स्थित बोलो वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना के निकट बनता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, बोलो मैंने कहा इसको यहां पर हमें बनाना है, तो उस व्यक्ति को कैसा लेंस बोलो चश्मा पहनाना पड़ेगा? बोलो आपसे अवतल, अवतल जो लेंस होता है बोलो वो अपसारी लेंस होता है, बोलो प्रकाश किरणों को फैलाता है। बोलो कैसा लेंस का चश्मा पहनाएंगे? अवतल लेंस का। क्लियर।
किरण फैलेगी और यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ पहुँचेगी तो जब जब चश्मा पहन के रखेगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और चश्मा हटाते ही यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब ये है जो होता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको मायोपिया कहते हैं। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष हमें कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो जो इसका लक्षण होगा, बोलो आपसे मेरे को लक्षण क्या होगा, बोलो इस परिभाषा को देख के पता चलता है, बोलो आपसे मेरे को निकट, ठीक है, निकट की वस्तु आपसे मेरे को इसको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन आपसे मेरे को दूर की वस्तु, बोलो आपसे मेरे को स्पष्ट, बोलो स्पष्ट नहीं, क्लियर। तो क्या हुआ कि बोलो किताबों ने और बहुत सारों ने, पढ़ाने वालों ने क्या किया, इसके लक्षण को परिभाषा बना दिया। तो अक्सर आपको कन्फ्यूजिंग होती है कि नाम तो है निकट दृष्टि दोष और इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, जबकि ये नाम इसकी लक्षण से थोड़ी बनाया है, ये नाम तो इसकी परिभाषा से बनाया है। तो परिभाषा क्या कहती है कि बोलो आपसे मैं किसी दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के निकट बनता है, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसलिए इसका लक्षण क्या बनेगा कि इसमें दूर स्थित वाले वस्तु जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और निर्वारण आपका किससे किया जाएगा, बोलो निर्वारण हमें पता चल गया, बोलो इस लेंस से किया जाएगा। अगर आपका चीज समझी भी होगी तो कभी याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आया निकट दृष्टि दोष का निर्वारण कौन से लेंस से किया जाता है। अब आपको फंडा पता है क्या, निकट दृष्टि दोष के अंदर बोलो जो हमारी इमेज है वो रेटिना के निकट बनी है, तो रेटिना तो पहुंचानी है तो प्रकाश किरणों को फैलाना पड़ेगा, और फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है, अवतली होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा दूरदृष्टि दोष, अगेन दूरदृष्टि दोष, ये डायग्राम बनाया मैंने आपसे, मैं कह रहा हूँ मैंने कहा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये लेंस है इमेजिंग करना और ये रेटिना है, बोलो इसमें ये नियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट है। तो नियर ऑब्जेक्ट आपसे मैं कह रहा हूँ का प्रतिबिंब जब रेटिना पे बनेगा तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन रेटिना पे नहीं बन करके क्या बनता है, बोलो बोलो रेटिना से दूर बनता है। तो मुझे बताओ इसको यहाँ बनाने के लिए हमें कौन सा लेंस का चश्मा पहनाना पड़ेगा, बोलो उत्तल बनाना पड़ेगा। कौन सा बनाना पड़ेगा, बोलो उत्तल आपसे मेरे को लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, वो बोलो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस केस में क्या होगा, बोलो जब जब हम चश्मा पहना देंगे, बोलो ये आपसे मेरे को वास्तविकता में यहां बन रहा है, चश्मा पहनाने पर यहां बनेगा, चश्मा उतारेंगे तो यहां बनेगा। तो आई थिंक ये है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या हुई, वह नेत्र दोष जिसमें नियर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के दूर बनता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो अगर परिभाषा ही हुई तो लक्षण क्या होगा, बोलो लक्षण हम कहेंगे, बोलो इससे बोलो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्लियर। पास की वस्तु आपसे मैं कहूँ स्पष्ट, मैंने कहा स्पष्ट दिखाई, बोलो दिखाई नहीं देती है, क्लियर, नहीं देती है। इसका मतलब हुआ इस लक्षण को कभी परिभाषा नहीं बनानी है तो आपको ये नाम समझ में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आए, बोलो अगर आपने रियल में परिभाषा समझी है तो आपको कभी कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी, ना लेंस का डिसाइड करने में कंफ्यूजिंग होगी, ना परिभाषा को देने में कंफ्यूजिंग होगी, ना लक्षण पता करने में होगी। और रही बात जरा दृष्टि दोष, तो मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूं जिसमें, मैंने कहा जिसमें पास तथा दूर आपसे मैं कहूँ दोनों ही ऑब्जेक्ट, मैंने कहा क्लियर दिखाई, बोलो दिखाई आपसे मेरे को नहीं देते हैं, क्लियर। ऐसा जनरली बुढ़ापे में होता है, क्योंकि जड़ा का मतलब ही क्या होता है, बुढ़ापा, क्लियर। इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, बाईफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा, बोलो बाई फोकल लेंस। आपसे मैं कहूँ बाई फोकल लेंस का यूज करेंगे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जिसके अंदर जब उसको पास देखना होता तो पास देख लेंगे, दूर देखना होगा तो दूर देख लेंगे, क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है मायोपिया दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज में करते हैं, कभी पूछा जाता है दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको एक पक्का याद होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया होता है तो अपने आप ही दूरदृष्टि दोष मेट्रोपिया होगा। तो मैं आपको याद करा देता हूं, देखो हम बोलो इंडिया के अंदर भी राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान के अंदर आप जानते हो महिलाएं जो होती है, लड़कियां जो होती है, उनकी बोलो आपसे मैं कहूं एक बहुत बड़ी कमी होती है, क्या, क्या आपसे मैं कहूं वो हमेशा क्या कहती है कि बोलो आप उनका एक दोष होता है क्या कि उनका कोई भी वो पिया उनके हमेशा कैसा रहना चाहिए, निकट रहना चाहिए। यानी आपसे मैं कहूं मायोपिया चार पांच बार बोलोगे तो
अपने आप क्या निकलने लगेगा, मेरा पिया, क्लियर। तो वो कैसा दोष है, बोलो निकट दृष्टि दोष, मतलब मायोपिया। इंग्लिश में किसको कहा जाता है, बोलो हिंदी में किसको कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष, या निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मायोपिया, क्लियर। तो अब आपको एग्जाम में मायोपिया से लेंस पूछे, निकट दृष्टि दोष से पूछे, मायोपिया किसको बोलते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आपसे मैं कहूं, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइट, जो लेवल वन में भी है, लेवल टू में भी है, सारे के सारे कंटेंट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। चाहे वो आपका प्रकाश का परावर्तन हो, चाहे गोलीय दर्पण हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, बोलो आपसे लेंस हो, आपका मानव नेत्र हो और नेत्र दोष हो, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे मैं करूँ इसको, आप बोलो आपसे मैं करूँ, दो तीन बार स्टडी करके इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। तो आज हमने जो एक चेन स्टार्ट की आप लोगों के एडवाइस पे, आप लोगों के कहने पर, आपसे मैं कहूँ कि आपका 20 टॉपिक जो है उनको मैं ऑलमोस्ट 20 डेज में करा दूं, तो आपसे मैं करूँ आपका बोलो रिट आज से दो महीने बाद, डेढ़ महीने बाद है, तो आप बहुत बहुत बार अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये आपसे मेरे को लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, और अगर आया तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और हम फिर इसी बोलो आपसे कड़ी के अंदर कल फिर एक लेक्चर लेके आएंगे, क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो। और आपसे मेरे को हमेशा मैंने एक ही बात कही है, जो लगातार कंटिन्यू मेहनत करता है उसको जरूर सफलता मिलती है, एक ना दिन एक दिन जरूर मिलती है, क्लियर। बस पढ़ते रहो, और आपसे मेरे को हमेशा मैंने कहा है, जो टॉप करते हैं उनका वही कंटेंट पढ़ते, जो आप पढ़ते हो, केवल उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है, क्लियर। तो बस इसको आप फॉलो करो, और आपसे मैं करूँ आप मस्त रहो और स्टडी करते रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।